सो हेलो एवरीवन यार, फिर से स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में। तो यार मैं लेके आ चुका हूँ यार डेडपुल का जो पार्ट वन का जो शेडिंग ट्यूटोरियल है वो यार मैं लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में यार हम लोग बेसिकली ड्रॉ करने वाले हैं डेडपुल, तो उसका जो पार्ट वन मैं लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में यार पार्ट वन होगा ये वाला वीडियो। तो ये वाले वीडियो में यार हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं डेडपुल का फेस, तो पूरा का पूरा जो डेडपुल का जो फेस है वो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो आई को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लिया, और उसके नीचे का जो हाईलाइट है गाइस वो यार मैं टोम्बो जीरो इरेजर से नहीं दिया हूँ, वो मैं छोड़ दिया हूँ पूरा वाइट ही। तो आपको भी बस वैसा ही करना है, देखो बस जहाँ पे हाईलाइट है उसकी जो आउटलाइन बना लेनी है जैसा कि मैं अभी बनाया, और उसके बाद वहाँ पे कुछ शेडिंग ही नहीं करनी, बस वहाँ पे छोड़ देना है तो हाईलाइट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। और जो आई के अराउंड जो मैंने जो डार्क जो एरिया जो शेड किया है गाइस वो मैंने किया है 10B पेंसिल से। तो आप लोग भी यार 10B पेंसिल से यार पूरा डार्क कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो आई के बाजू की साइड में यार फर्स्ट लेयर चढ़ाया, लेफ्ट साइड के साइड तो वहाँ पे फर्स्ट लेयर चढ़ाया, उसके बाद 10B पेंसिल से डार्क कर दिया। तो आई के ऊपर की साइड भी मैं फर्स्ट लेयर चढ़ाया, फिर सेकंड लेयर थोड़ा सा डार्क किया और थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, फिर 6B पेंसिल से जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है वहाँ पे मैं डार्क कर दिया। जैसे कि ऊपर की डायरेक्शन में देखो थोड़ा सा डार्क है, ऊपर की डायरेक्शन में ओके गाइस, तो ऊपर की जो डायरेक्शन है उसमें भी ऊपर की डायरेक्शन की साइड डार्क है तो वहाँ पे मैं डार्क कर दिया। फिर नीचे की साइड भी मैं उसी तरह मैं शेडिंग किया, पहले फर्स्ट लेयर फिर सेकेंड लेयर और उसके बाद ब्लेंडिंग और हाईलाइट। बस उसी तरीके से आपको पूरा डेडपूल का फेस ड्रॉ करना है। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहो यार, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो यार अभी देख सकते हो यार यहाँ पे जो साइड का जो लेफ्ट साइड का जो डेडपूल का जो फेस दिख रहा है थोड़ा सा आई के अराउंड की साइड का जो बाजू में है ना गाइस लेफ्ट साइड में, तो उसे भी मैं जो है ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग ईजी वे में देख सकते हो। और हाँ यार आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको भी ये जो डेडपूल का फेस है वो एकदम ईजी लगेगा। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो डेडपूल का जो पूरा फेस है उसे मुझे ड्रॉ करने में यार 3 घंटे से भी ऊपर लग गया है। और हाँ गाइस 3 घंटे से भी ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है गाइस मुझे ये वाला जो डेडपूल का जो फेस है वो उसे ड्रॉ करने में। और तो यार प्लीज़ यार इस वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर से दे देना, और इस वीडियो को यार प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यार यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने दिया था ना जो आई के अराउंड जो लाइंस वगैरह है ना उसमें मैं हाईलाइट दिया था, उसे भी मैं जहाँ पे जो डार्क हाईलाइट थी, मतलब हाईलाइट नहीं थोड़ा सा हाईलाइट, तो हाईलाइट के अंदर जो जो डार्क डार्क पोर्शन था उसे भी मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दिया, पूरा ही वाइट मैं नहीं रहने दिया हूँ। तो बस आपको वैसे ही करना है। और हाँ यार इस वाली आई की तरफ भी मैं बढ़ चुका हूँ अभी, तो आप लोगों को भी बढ़ जाना है इस वाली आई की तरफ। तो आपको भी बस मेरी तरह ही ड्रॉ करना है। और तो यार इस वीडियो को यार प्लीज़ एंड तक देखते रहना, अगर एंड तक देखो तो मैं यार 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को डेडपूल का जो फेस है वो इजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। ओके गाइस, तो देख सकते हो मैं आई कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हूँ गाइस ये ड्रॉ करने में। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दे देना। और मैं देख सकते हो 8B पेंसिल से फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ बिल्कुल लाइट वे में, और फर्स्ट लेयर चढ़ाने के बाद थोड़ा सा डार्क वे में जहाँ पे डार्क था वहाँ पे मैं सेकंड लेयर चढ़ा दिया। अभी 10B पेंसिल से एकदम पूरा डार्क कर दूंगा मैं। तो यार आप लोगों को भी बस डार्क कर देना है बस इसी तरीके से जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और जहाँ पे हाईलाइट है यार वहाँ पे शेडिंग मत करो जैसा मैं पहले भी बोला, बस छोड़ दो उसको। और अगर आप लोग शेडिंग कर लेते हो तो यार इसे इरेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर मतलब रफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टोम्बो जीरो इरेजर या फिर कोई भी हाईलाइटिंग टूल की मदद से। तो यार बस यही बोलना चाहता था गाइस इस वीडियो में, तो देखते रहो यार इस वीडियो को एंड तक। और हाँ गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के ट्यूटोरियल पाने के लिए। ओके गाइस, और हाँ गाइस ये जो पार्ट वन है गाइस और पार्ट टू मैं जल्द ही ला दूंगा, कल ही ला दूंगा। और पार्ट वन के अंदर तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ अभी कि कैसे यार डेडपूल का जो फेस है वो एकदम रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करे। तो देखते रहो यार वीडियो को एंड तक। देखो अभी इस साइड में मैं फर्स्ट लेयर चढ़ा दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा सेकंड लेयर चढ़ाऊंगा देखना अभी। ओके देखो, तो यार मैं यहाँ पे जो सेकंड लेयर भी चढ़ा दिया, तो आपको भी यार इसी तरीके से सेकंड लेयर भी चढ़ा देनी है। फिर यार 10B पेंसिल से लाइट वे में थर्ड लेयर चढ़ा देनी है, और उसके बाद ब्लेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 लेयर चढ़ जाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों को यार ड्रॉ करना है, और थोड़ा सा डार्क जो है जो 3D लुक होता है वो भी ला देना है जैसा मैं लाया अभी। तो बस उसी तरीके से देखो मैं नीचे की साइड
साइड भी 3D लुक लाया। तो अभी यार मैं जो है ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर का जो फोरहेड की साइड का जो है पोर्शन, उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसे ड्रॉ करने में यार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और देखो अभी मैं फर्स्ट लेयर चढ़ा दिया आप लोगों के सामने, और सेकंड लेयर भी मैं चढ़ा रहा हूँ 6B पेंसिल से एकदम लाइट वे में। तो आपको भी बस यार ऐसे ही शेडिंग करनी है, और थोड़ा सा लाइट ज़्यादा और ज़्यादा कम हो रहा है गाइस, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पहली क्लिप में नहीं हो रहा था पर अभी हो रहा है, आई डोंट नो वाई। तो कोई बात नहीं गाइस, चलो और देखते रहो वीडियो को एंड तक यार, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ओके और यार यहाँ पे देख सकते हो जो फोरहेड है वो, उसको भी मैं जो है कर रहा हूँ फटाफट से शेडिंग। और आप लोग यार टाइम लगा के करना गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हूँ उस फेस को ड्रॉ करने में। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि यार टाइम लगाए इस जो ड्राइंग है उसके ऊपर। तो अभी मैं जो है फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ गाइस यहाँ पे देख सकते हो, और जो ये नोज़ का जो पार्ट है ना गाइस, नोज़ के नीचे का जो होता है ना गाइस, वो पार्ट वो यार ड्रॉ करने में यार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है कि यार कहाँ पर नोज़ है, और नोज़ उनका मतलब जो डेडपूल है उनका दिखता ही नहीं है, तो अपने मेज़रमेंट हिसाब से ही हमें ड्रॉ करना पड़ता है। वैसे फोटो में थोड़ा बहुत हाईलाइट ही दिखता है, तो बस उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया यार नीचे का जो ड्रॉ करने में। तो उसे भी मैं यार अपने हिसाब से ही मैनेज कर लिया। तो आप लोगों को भी वैसा ही करना है जैसा मैं करूँगा। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यार ये वाला जो वीडियो है यार बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यार ये वाला ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हूँ, तो इसी वजह से आपको ड्राइंग भी पसंद आया होगा मुझे पता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर से बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यार ज़रूर से दबाना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।